Today is a great day for me. Today the advanced result has been declared and I have secured rank 147. तो आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी सफलता पे. हालांकि 2 साल की मेहनत से मुझे और ज़्यादा आशाएं थी कि मेरा और अच्छा रिजल्ट आ सकता है, अंडर 100 आ सकता है, बट फिर भी आज 147 रैंक आई है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ. मैंने अपनी प्रिपरेशन 2 साल पहले शुरू की थी. उस समय कोरोना पैंडमिक चल रहा था, सब कुछ उस समय टैकल करना डिफ़िकल्ट था. थोड़ा घर पे भी हम बोर्ड 10th के बोर्ड जस्ट ख़त्म हुए थे, घर पे हम उस समय थे. ना ही मैंने कभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ रिसर्च किया था, कैसे पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ नया था. बट शुरू से फिर जी ईस्ट दिल्ली के टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. शुरू से ही उन्होंने अकेडमिकली सपोर्ट करने के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज भी किया. कई बार होता था कि आप पैंडेमिक के मिस्ट में आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका मूड स्विंग्स होते हैं, बट उस सब के थ्रू टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया रेगुलरली. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया हार्डवर्क करने के लिए. इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. राइट फ्रॉम द बिगनिंग पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया. कभी मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्होंने मुझे वॉर्न भी किया कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो इंकरेज भी किया कि आप आगे बढ़िए. और टीचर्स ने साथ ही साथ मेरा सपोर्ट किया. उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि पेपर को हमेशा एनालाइज करो, उनमें जो भी गलतियाँ हैं आ रही हैं उनको सुधारो और उन्हीं के साथ आगे बढ़ो. फिर जी ईस्ट दिल्ली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर जो मुझे मिली, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है, वो है पर्सनलाइज सपोर्ट एंड ऑफलाइन प्रैक्टिस. फिर जी इस दिल्ली में जब जब कोरोना लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस मिले तब तक हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, और जब सिलेबस हो गया तो उसके बाद रेगुलरली हमने 6-7 महीने सेंटर पे आके रोज़ प्रैक्टिस करी. टीचर्स भी हमारे साथ पूरे 6-6, 7-7 घंटे लगे रहे, पूरा पूरा सपोर्ट किया. और पर्सनलाइज हमारे 1-to-1 सेशंस होते थे, डाउट क्लियरेंस होती थी, एज वेल एज टीचर्स हमारे डाउट्स डिस्कस करते थे, एज वेल एज पर्सनलाइज हमें कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स हमारे हर इशूज़ के साथ जो है डील करते थे. मैं आगे एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जेई एडवांस के प्रिपरेशन में अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के 2 बात ज़रूरी हैं, वो टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. टाइम मैनेज करना बिटवीन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके ही हम एक डिसेंट रैंक ला सकते हैं. सेकेंडली स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पेपर एज वेल एज ऑफ द पेपर. कई बार बच्चे स्ट्रेस्ड होने के कारण भटक जाते हैं, गलत सोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे मौके पर हमें टीचर्स के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हमें टीचर्स के रेगुलरली हर एक स्टेप पे गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे डाउट्स क्लियर करने चाहिए, और अपने टाइम और स्ट्रेस दोनों का मैनेजमेंट जो है अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है. तो आई विश ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स वेरी गुड लक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट अ डिसेंट रैंक, एंड ऑल क्रेडिट फॉर माई रैंक गोज टू माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग, माई सिस्टर एंड completely to Fiji East Daily team. Thank you.